अब बात सिरमौर जिले की। अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। सुनील शर्मा का मुकाबला नाहन में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय सोलंकी से है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस सरकार राज करती है, लेकिन इस बार रिवाज बदलेगा और तीसरा विकल्प सरकार बनाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में केवल जनता का शोषण किया है। सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा। जो आप लोगों का हौसला है वो देख के मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी हिमाचल में सरकार बनाने वाली है। और आप जो देख रहे हो इतने सालों से कांग्रेस और बीजेपी का राज चल रहा है, 5 साल कांग्रेस का, 5 साल बीजेपी का, जिन्होंने हर एक इंसान को आम आदमी से लेकर, चाहे मैं बात करूँ एम्प्लॉयज की या आम आदमी की, बुजुर्ग की, महिला की या युवाओं की, सिर्फ उन लोगों को सताया है और उन लोगों के साथ धोखा किया है।